हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स इन दिस लुक लाइक टैक्स चैनल। आप सभी का स्वागत है, एसबीपी के सारे दोस्तों का मेरा नमस्कार। आज पुनः देखने वाले हैं एसबीपी बिजनेस प्लान को आगे बढ़ाते हुए। आज हम देखेंगे किराना शॉप का जो है 3.0 हम क्लियर करने वाले हैं, जो काफ़ी दिनों से हमने वीडियो नहीं डाला था कुछ समस्या की वजह से। आज हम इसको पूरे क्लियर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे बिजनेस प्लान पे जाएंगे और हमारा जो अधूरा था अनीता देवी बी के नाम से हम बना रहे थे, तो उसके लिए हम यहाँ पर टच करेंगे उसी को। ये हमने टच कर लिया। देखिए पिछले बार हमने जैसे भरा था 1.0 इन्फॉर्मेशन ऑफ प्राइजेस, देखिए ये सारे चीज़ वैसे के वैसे ही है। हम इसको सेकेंड नंबर पर जाते हैं। सेकेंड नंबर पर हम यहाँ पर देखे थे, हमने 2.0 प्रोडक्ट्स एंड रेवेन्यू प्लानिंग किए थे। यहाँ पर हमने राइस डाला था, टोटल प्रोडक्ट हमने 5 डाला था, ठीक है, यहाँ पर 5 डाले थे। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा 2.1 में, यहाँ पर देखिए कार्टून वगैरह डब्बा वगैरह जो है ये सब डाला था। तो दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पे हमने 5 प्रोडक्ट डाले थे और समय के ज़्यादा होने के कारण हमने और प्रोडक्ट नहीं ऐड कर पाए थे। तो हम लोग पूरे साल का यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, तो 5 प्रोडक्ट अगर हम डालते हैं तो हमारा प्रॉफिट जो है माइनस पे जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर देखिए यहाँ पे आलू और प्याज हमने ऐड नहीं किया है, ठीक है, यहाँ पे हमने बहुत जो कॉस्टली है वो सारे चीज़ों को हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो दुकान में यही चीज़ खाली नहीं रहता है, जैसे बिस्किट हो गया वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज़ है जिसको हम कहते हैं मिक्स आइटम, ठीक है, मिक्स प्रोडक्ट आइटम। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें ऐड करना है, ऐड मोर में जाके यहाँ पे 6 नंबर पे देखिए, यहाँ पर प्रोडक्ट आइटम हम लिखेंगे, यहाँ पे मिक्स प्रोडक्ट आइटम, ठीक है। इसमें सारे चीज़ आ जाएंगे, इसमें अपने एवरेज के हिसाब से आप यहाँ पर आप डाल दीजिए, आपका जो बिजनेस है प्रॉफिट में रहेगा, माइनस नहीं जाएगा, ठीक है। सारे चीज़ को तो हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हैं, सारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो हम यहाँ पे सारे मिक्स प्रोडक्ट आइटम करके हम यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट सेल क्वांटिटी पर ड्यूरेशन यहाँ पे बोल रहा है, देखिए तो हम एक्यूरेट हम यहाँ पे 400 डाल देते हैं, 400 प्रोडक्ट टोटल, और इसमें हम यहाँ पे 100% कर लेते हैं यूटिलाइजेशन में। उसके बाद यहाँ पर देखिए टोटल ईयरली यहाँ पे हमारा निकल के आ गया 4400। यहाँ पे सेल प्राइस में हम क्या डालेंगे, सेल प्राइस में हम 50 रुपीज़ डालते हैं, सेल्स प्राइस में हम 50 रुपीज़ डाल रहे हैं, और एवरेज सारे प्रोडक्ट का सारे एवरेज लगभग 25 रुपये डाल देते हैं, यहाँ पे 25 रुपये डाल देते हैं सारे प्रोडक्ट का, आलू प्याज वगैरह बहुत सारा यहाँ पे आइटम है और ये सारे मिक्स है, ठीक है। तो एक दुकान अगर बना रहे हैं तो मिक्स आइटम एंड प्रोडक्ट आइटम जरूर डालने की कोशिश करें। उसके बाद यहाँ पर हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो अभी है मुख्य मुद्दा हमारा 3.0, 3.0 में हम यहाँ पे देखेंगे प्री ऑपरेटिव। यहाँ पे देखिए जो हम बिजनेस, जिस बिजनेस को हम खड़ा कर रहे हैं उसके लिए कुछ सर्वे वर्वे किया जाता है, तो मार्केट सर्वे आपने जो घुमा उस सर्वे में आपका कितना पैसा खर्च हुआ, ठीक है, कितना पैसा खर्च हुआ उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो हमारा 100 रुपया लगभग लगा, तो हम यहाँ पे 100 डाल देते हैं। स्टेशनरी खर्च हो सकता है आपका पेन कॉपी पेंसिल वगैरह सब इसमें लिखने उखने में कॉपी पेन लिए तो खर्च हुआ होगा, उसके लिए है स्टेशनरी एक्सपेंसेस। यहाँ पे हम डाल देते हैं 50 रुपये का। लीगली एक्सपेंसेस कुछ नहीं लगा, लीगली इस्टेब्लिशमेंट हमारा नहीं हुआ। अदर खर्चा में क्या है कि हो सकता है घूमते वक्त हम लोग चाय पानी नाश्ता वगैरह हमने कर लिया अलग से, तो वो 50 रुपये हम डाल देते हैं यहाँ पे। तो ये टोटल हो गया हमारा सेव। सेव होने के बाद देखिए हम देखेंगे 3.1 लैंड एंड बिल्डिंग। ये हमारा क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग में दो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, दो चीज़ यहाँ पे हमें कहता है भूमि और भवन का खर्च। यहाँ पे हम भूमि और भवन का खर्च देखिए, यहाँ पे लैंड जो है ये भूमि ये जो है ओनर पहले से सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे रेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जगह का वन टाइम खर्च, यहाँ पे वन टाइम खर्च। अगर वो जगह खुद मालिक का है तो उसके ऊपर है कि वो अपना पैसा कितना खर्च रखना चाहता है, तो हम उसके लिए जगह का वो अपने हिसाब से वो रख रहा है, चाहे तो वो नहीं भी रह सकता है, ठीक है, उस जगह का, ठीक है, जीरो हम कर दिए। देखिए यहाँ पे बिल्डिंग ओनरशिप, अगर आप किसी उसको रेंट दे रहे हैं तभी यहाँ पे रेंट करना है, ठीक है। एक्यूरेट अगर आप ओनर कर देंगे और पैसा डाल देंगे तो आपका जो है अमाउंट उधर कैलकुलेशन नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये मुझे मंथली एक ओनर के रूप में मैं चाहता हूँ 1-1 हज़ार में रखना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर रेंट करके उसको 1 हज़ार आप यहाँ पे डाल सकते हैं। 1 हज़ार डालने के बाद देखिए, हाँ और एक चीज़ सॉरी, यहाँ पे रेट पर ईयर बोल रहा है, तो इसके मतलब है कि 24 हज़ार होगा, ठीक है, एक साल का 24 हज़ार हो गया, इतना तो आपने लिख ही लिया होगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद देखिए प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट,
प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट, हमारा सबसे पहले दुकान में क्या आता है, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर हमने लिख लिया, कैलकुलेटर कितना पीस चाहिए, एक पीस, प्राइस कितना है, 300 रुपया। परचेस जिस दिन आप खरीदे उस दिन का डेट डालें यहाँ पे, उसका लाइफ एक्सपेंसेस कितना होगा, एक्सपेक्टेड लाइफ 3 साल डाल दिए। स्क्रैप वैल्यू, उसको अगर वो ख़राब हो जाता है तो उसका वैल्यू कितना रहेगा, वो चीज़ डाल रहा हम 0 डाले यहाँ पे, क्योंकि वो फेंका ही जाएगा, यहाँ पे हम डाल दिए सिमडे का। और यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्टेशन खर्च, इंश्योरेंस इसके कोई ज़रूरी नहीं है, 0 हो गया यहाँ पे 0। यहाँ पे देखिए कोटेशन, यहाँ पे कोटेशन में क्या करना है आपको, अगर उस कैलकुलेटर का अगर पर्ची बना होगा, उस पर्ची को आपको फोटो टालना है, ठीक है, फोटो टालना है और सिलेक्ट कर देना है। तो हम यहाँ पे अभी कुछ नहीं डाल रहे हैं, उसके बाद एड मोर कर देते हैं। कैलकुलेटर के बाद और क्या आएगा, डिजिटल स्केल आएगा। डिजिटल स्केल जो होता है हमारा काटा, ठीक है, ये हमारा कितना पीस चाहिए, एक पीस चाहिए हमें लगभग कितना रुपये का है, 4000 का। परचेज डेट डाल दिए फिर से, यहाँ पे एक्सपेक्टेड लाइफ उसका क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड लाइफ हम इसका 6 साल डाल देते हैं। स्क्रैप वैल्यू, वो लोहा चीज़ है, अगर कबाड़ी में भी बेचते हैं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही जरूर। 100 रुपया हमने डाल दिया स्क्रैप वैल्यू, जगह का नाम हमने डाल दिया, यहाँ पर भी वही चीज़ बोल रहा है, देखिए ये सब 0। और कोटेशन अगर आप रसीद होगा तो उस रसीद को यहाँ पर डालिएगा, देखिए कैप्चर, कैप्चर इमेज बोल रहा है यहाँ पर। अगर उसको फोटो टालना चाहते हैं तो आप कैप्चर कर सकते हैं, अगर पहले से फोटो टाल के रखे हैं तो सेलेक्ट फ्रॉम गैलरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद राइट क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। सेव इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट ये बोल रहा है, तो हमारा जो है प्लांट एंड मशीनरी जो चीज़ मशीन का था वो सारे हमने डाल लिया। मशीन का चीज़ अगर और कुछ रहेगा, आप अगर चाहते हैं कि वो पंखा यूज़ कर रहे हैं आप, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन उतने खर्चे में हम नहीं जा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं हम फर्नीचर, फर्नीचर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेबल तो होगा ज़रूर, टेबल हमने डाल दिया, एक टेबल चाहिए, कितनी प्राइस का, 1500 रुपये। डेट डाल दिए, लाइफ, इसका जो लाइफ है टेबल का कितना चलेगा, 6 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 8 साल चलेगा, हमने फिर इसको 6 साल डाल दिया, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हमने डाल दिया। फिर एड मोर कर रहे हैं, एड मोर कर रहे हैं ताकि हमें बेंच भी चाहिए, तो हम यहाँ पे बेंच लिख देते हैं, बेंच लिख दिए, एक बेंच चाहिए 1000 रुपये का, या फिर 800 रुपये लग जाता है। ये परचेज डेट डाल दिया हमने, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू आप क्या डालना चाह रहे हैं, 6 साल डाल रहे हैं हम, 0 है, स्क्रैप वैल्यू 0 डाल दिए। यहाँ पे जो सप्लायर का नाम जो है या फिर एड्रेस जहाँ से वो खरीद रहे हैं, इस चीज़ को आप डालिएगा, ये डालना ही है। एड मोर कर देते हैं फिर से। अब हमें क्या चाहिए, चेयर चाहिए या फिर कुर्सी चाहिए, हम जो भी हैं कुर्सी चेयर वगैरह ये हमने डाल दिए। 2 चेयर चाहिए हमें, कितने रुपीज़, 250 रुपये वाला, 250 रुपये वाला चाहिए, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर 500 रुपये हो गया, 2 चेयर ले रहे हैं। नोस में जो है देखिए नंबर, यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे नोस में 2 चेयर डाल दिए, 250। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड लाइफ उसका क्या होगा, चेयर का कितना साल लगभग चलेगा, हमने डाल दिया 4 साल चलेगा। स्क्रैप वैल्यू, कबाड़ी में भी अगर बेचेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, इसमें भी हम 50 रुपये डाल देते हैं, ये हम डाल दिए उतना, और इसको हम सेव कर दिए। सेव करने के बाद अगर आपको लगता है कि फिर कोई और अगर छूट रहा है, ठीक है, फिर से कोई चीज़ छूट रहा है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फर्नीचर में एक चीज़ छूट रहा है, जैसे हमें रेक चाहिए, लोहा का रेक चाहिए, तो लोहा का रेक हमारा कहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे 3.2 है प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट, और यहाँ पे 3.3 है फर्नीचर, ये जो है लकड़ी के लिए, तो हमारे लोहा का अगर हम मंगा रहे हैं तो हम यहाँ पे इक्विपमेंट में ही जाएंगे। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं एक इक्विपमेंट, क्या है, 2 रेक चाहिए हमको, हम यहाँ पे रेक डाल दिए हैं, 2 रेक, और कितने प्राइस है, 1600 रुपये लगभग, तो हमारा 3200 रुपया हो गया। परसेंटेज डाल दिए फिर से, यहाँ पे एक्सपेक्टेड लाइफ लगभग कितना चलेगा, वो ये 8 साल चलेगा, 8 साल लगभग। स्क्रैप वैल्यू कितना आएगा, तो हम डाल देते हैं यहाँ पे 500 रुपये, लोहा का चीज़ है, बेचेंगे तो भी कुछ वैल्यू मिल जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम डाल दिए 0, कोटेशन रसीद जो है वो चीज़ डाल दीजिए, उसके बाद सेव कर दीजिए। ये सेव कर दिए हमने, फर्नीचर हो गया। अब आना है रॉ मटेरियल पे, रॉ मटेरियल पे हमें ध्यान देना है कि जो हमने 2.0 में हमने जो सेट किया है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ध्यान से देखिएगा, यही मेन चीज़ जो है, आप अगर इसमें गलती करते हैं तो आपका
वैल्यू डाउन हो सकता है या फिर आपका जो प्रॉफिट है वो माइनस में जा सकता है, यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो सकता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे राइस है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट नाम लिख देंगे यहाँ पे राइस। उसके बाद देखिए यहाँ पे ईयर जो हमने 11 मंथ हमने पहले से सिलेक्ट करके रखा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाँ 500 रुपया पर मंथ, सॉरी 500 क्वांटिटी पर मंथ रखे हैं, ये जो बिक रहा है देखिए 500 क्वांटिटी हमने रखा है। और यूटिलाइजेशन करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए ये चीज़, ये 500 रुपया है यूटिलाइजेशन के बाद, उसके जस्ट नीचे है पर यूटिलाइजेशन प्रोडक्ट प्रोडक्शन रेवेन्यू या सेल्स, इस चीज़ को आपको यहाँ पर डालना है। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं 500। हमारा यूनिट रेट क्या है, हमारा जो यूनिट रेट है सबसे नीचे यहाँ पर दिखाई देगा 21, यहाँ पर हम 21 लग दिए। तो हमारा देखिए एक्यूरेट हमारा निकल गया, टोटल वैल्यू देखिए 115,500 रुपया, और यही 115,500 रुपया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखिए 2.0 में हमने जो खोला है यही सेम चीज़ मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे एड मोर कर देंगे, एड मोर करने के बाद फिर से 2.1 में जाएंगे, यहाँ पे सेकंड नंबर दाल है तो हम यहाँ पे दाल डालेंगे, दाल कितने महीना डाल दिया। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर यूटिलाइजेशन के नीचे जो है 100, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 100। उसके बाद फिर से नीचे देखेंगे इसका कॉस्ट जो है 65 रुपीज़, हम 65 रुपये डाल दिए, इसका टोटल वैल्यू आ गया। एड मोर करते हैं फिर से, तीसरा नंबर में क्या है, 2 नंबर पे जाते हैं, फिर से देखिए यहाँ पे सरसों ऑयल यहाँ पे लिख देंगे, सरसों ऑयल 11 मंथ, क्वांटिटी कितना है देखिए यहाँ 60 है, तो हम यहाँ पे 60 डाल देंगे। यूनिट रेट कितना है, यूनिट रेट हमारा 90 है, 90 डाल दिए। एड मोर यहाँ पे चौथा नंबर पे आता है मसाला, इस वीडियो को मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ, ये काफ़ी ऐड इसी तरह से ऐड करना है, आप समझ चुके होंगे कैसे ऐड करना है। आप समझ लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट अब अगर वहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे यूटिलाइजेशन के नीचे जो है यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, ठीक है, 10 जो है इस चीज़ को आपको क्वान्टिटी में डालना है यहाँ पर। तो मैं इसको थोड़ा सा स्किप करता हूँ, आपको मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, हमने सब प्रोडक्ट हमने ऐड कर लिया है सिवाय एक के, जो हमने लास्ट में हमने डाला था आज ही, देखिए मिक्स प्रोडक्ट आइटम, ये मिक्स प्रोडक्ट आइटम को मैं यहाँ पे लास्ट में डाल के आपको दिखा देता हूँ। ये मिक्स प्रोडक्ट आइटम हम यहाँ पे कितना डाले हैं यूटिलाइजेशन के बाद, यहाँ पे देखिए 400 यूनिट रेट हमारा क्या है, यूनिट रेट हमारा 25 है, हम यहाँ पे 25 डाल दिए। 25 डालने के बाद अब हम यहाँ पे सेव करेंगे, अगर हमारा ये जो जितना भी एंट्री किए हैं ये अगर गलत रहेगा, मिसमैच होगा, तो यहीं पर आपको शो कर जाएगा और सक्सेस नहीं होगा, नॉट मैच किया जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं ये मिसमैच कह रहा है या फिर नहीं, या फिर सक्सेस होता है। चलिए हम इसको हम सेव करते हैं, ये देखिए दोस्तों मटेरियल डाटा सेव सक्सेसफुली, यानी कि हमने जो यहाँ पे रॉ मटेरियल सेट किया है वो 100% सही है, इसलिए हमारा सक्सेसफुल हो गया। अगर एक भी अगर मिसमैच होता तो हमारा सक्सेसफुल नहीं होता। उसके बाद हम देखेंगे यूटिलिटीज़, यहाँ पर यूटिलिटीज़ में हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है, पावर इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, वाटर इसमें मंथ का डालना है या फिर ईयरली का डालना है, मैं आपको जस्ट आप अभी जो वीडियो आ रहा है उसको आप क्लिक कीजिए, आपको मैं ये जो 6 पार्ट है वो मैं कंटिन्यू आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसको आप सिलेक्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही तक, नेक्स्ट वीडियो को आप क्लिक कीजिए, थैंक यू।